हेलो गाइस, मैं सूरज। आज आपके नए वीडियो के साथ आए। जैसे अक्सर आपने देख ही चुके होंगे दोस्तों, थंबाइन को तो विद्युत पराशरण हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमोसिस की बात करेंगे, ठीक है। ओमोसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोसिस क्या होता है, जिसे विद्युत पराशरण कहते हैं। देखिए, विद्युत पराशरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक से जानेंगे। तो यार, आपको तो पता ही होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के नोट्स हमने डाल रखे हैं, नीचे लिंक डिस्कस में दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहली बार चैनल पे आए वो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यार अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हैं, उन्हें नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो अपने नोट्स बना नहीं पाते, कैसे याद करेंगे। तो ये हमारे नोट्स आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 2020 में आने वाले क्वेश्चन की हमने डाल रखी है, वो भी आप देख लीजिए 2020, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब आप 21 में आओगे तो भी हम 21 की डाल देंगे, वो आप अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट साल के साल। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन क्वेश्चनों को देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उतने क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो हमारे नोट्स में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फालतू के इंपॉर्टेंट ही हमने नोट्स बनाए, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं बनाया उसमें। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाना दोस्तों। तो बात करते हैं विद्युत पराशरण, जैसे इलेक्ट्रोमोसिस कहते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट जानेंगे इस वीडियो में। और जो पहली बार चैनल पर आप, वो सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो एंड होने के बाद आपको तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, एक्चुअली शेयर करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। बिल्कुल आपको विद्युत पराशरण के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट से और चित्र द्वारा आपको सारे के सारे समझाया जाएगा। तो बात करने वाले हैं अपने विद्युत पराशरण के बारे में। देखिए, विद्युत पराशरण होता क्या है, कोई भी शाल विद्युत, ठीक है, यहाँ बोला है कोई भी विद्युत शाल, ठीक है, या शाल विद्युत उदासीन होता है, मतलब कोई भी जो विद्युत होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अतः यदि परीक्षित अव्यवस्था पर जितनी आवेश है उतना ही, अथवा विपरीत आवेश है उतना ही, तथा विपरीत आवेश परीक्षिप्त प्रवस्था या प्रवस्था, ठीक है, प्रवस्था कह दें कि कण पर होता है, कण पर होता है। अतः यदि किसी कोलाइडी तंत्र में परिक्षेपित प्रवस्था के कारणों को स्थिर कर दिया जाए, तब विद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण मध्य अवस्था स्वतः ही विपरीत आवेश में इलेक्ट्रॉन की ओर चलने लगते हैं। तो अब यहाँ मैं समझाने की बात करूँगा, उसके बाद ही अगले बढ़ेंगे, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ बात की जा रही है कोई भी जो शॉल विद्युत होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। अतः अब शॉल विद्युत के बारे में बताने, मतलब उदासीन होता क्यों है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अतः किसी परिक्षेपित प्रवस्था पर जितना आवेश है, जितना आवेश होता है उतना ही, और विपरीत आवेश है उतना ही, यदि देखिए आवेश हो या विपरीत आवेश हो उतना ही, ठीक है, और विपरीत आवेश परिक्षेपित प्रवस्था के कणों पर होता है, किस पर होता है, जो विपरीत होता है, विपरीत आवेश है वो परिक्षेपित अवस्था के कणों पर होता है, ठीक है। चाहे वो आवेश उतना, मतलब कि जितना आवेश हो या विपरीत आवेश हो उतना ही होता है, कण पर होता है, अर्धु कहाँ होता है, कण पर होता है। अतः यदि किसी कोलाइडी तंत्र में परिक्षेपित प्रवस्था के कणों को स्थिर कर दिया जाए, यहाँ बोला जा रहा है यदि किसी कोलाइडी तंत्र ले लिया, उसमें परिक्षेपित प्रवस्था के जो कण हैं उन्हें स्थिर कर दिया जाए, मतलब कि जहाँ है वैसे ही रहना दिया जाए, तब विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित माध्यम स्वतः ही विपरीत आवेश के इलेक्ट्रॉन की ओर चलने लगेंगे। समझ में आया? तो क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो परिक्षेपित माध्यम स्वतः ही विपरीत आवेश के इलेक्ट्रॉन की ओर चलने लगेंगे। आ गया समझ में? उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि अतः विद्युत क्षेत्र के परिक्षेपण माध्यम के कणों का अभिगमन विद्युत पराशरण कहलाता है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम के कणों का जो अनुगमन है वो विद्युत पराशरण कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत पराशरण यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, देखिए हम बताने वाले हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। यहाँ पी और ये टी आपकी नली लगा रखी है, ये जल पूरा दे रखा है, ये ए बी चीज, और तीन यहाँ, मतलब कि यहाँ जो डिवाइड कर दिए गए हैं एक्चुअली प्लस को अलग अलग ए बी सी में। अब मैं यहाँ पहले इसकी कार्यविधि के बारे में भी जानकारी कैसे करें। देखिए यहाँ बात करिए विद्युत पराशरण की घटना चित्र के में दर्शाई गई है, क्या है, जो विद्युत पराशरण है उसकी जो घटना है वो आपको चित्र में दर्शाई गई है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोलाइडी बिलियन, यहाँ बोला जा रहा है कोलाइडी बिलियन ए केंद्रक अक्ष पर रह
में रखा जाता है, मतलब कि जो कोलाइडी बिलियन होता है वो इस कक्ष में रखा जाता है, ए वाले में, इसमें कोलाइडी बिलियन होता है, याद रखना। उसके बाद में कह रहा है कि जो कि कक्ष बी और सी के बीच में होता है, देखिए बी और सी के बीच में क्या है, ए है, समझ में आ रहा है, बीच में होता है। उसके बाद कह रहा है इसमें, मतलब कि इसमें जल भरा होता है, किसमें, मतलब कि बी सी में बात की जा रही है, बी सी में जल भरा होता है और ए वाले में कोलाइडी बिलियन भरा होता है, ठीक है। जो कि कक्ष, देखिए अब जो झिल्ली एम और एम डैस, देखिए कह रहा है जो झिल्ली एम और एम डैस से अलग की जाती है, देखिए यहाँ एम डैस लिखना चाहिए था मुझे लेकिन यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ देखिए एम होगा, ये एम जो झिल्ली है ये एम है और ये वाली जो झिल्ली है वो एम डैस है, ठीक है, जो चिंगा दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, और ये एम वन है और ये देखिए यहाँ देख रहे हैं एम वन और एम डैस, ठीक है, एम वन और एम डैस, ठीक है, में लगा है, ठीक है, मतलब अलग किया है गया है। और झिल्ली केबल, देखिए झिल्ली केबल परिक्षेपित माध्यम के कणों की, कणों को ही गुजरने देती है, जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, जो परिक्षेपित माध्यम के कण होते हैं उनको ही आर पार जाने देती है, इससे इस पार और इससे इस पार, ठीक है, लेकिन बिलियन या जल आर पार नहीं जाने देती, समझ में आ रहा है। उसके बाद में बोला जाए कि गुजरने देती है, यदि कोलाइडी कण पर धन आवेश हो, यदि यार कोलाइडी कण है, इसके कण हैं जो अंदर हैं उस पर यदि पॉजिटिव, मतलब कि धन की बात की जा रही है, प्लस चार्ज हो, ठीक है, धन आवेश हो तो परिक्षेपित माध्यम के कण पर ऋण आवेश है, ठीक है, तो जो परिक्षेपित माध्यम के जो कण होते हैं उन पर ऋण आवेश है, तथा दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच विभांतर लगाने पर, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच यदि हम विभांतर लगाएंगे तो एनोड की ओर चलने लगता है, ठीक है, तो एनोड जिसे हम कहते हैं माइनस की ओर चलने लगता है, एनोड और कैथोड, कैथोड कहते हैं प्लस को, एनोड कहते हैं माइनस को, ठीक है, चलने लगता है, तो पी नली टी से बढ़ जाती है, तो वो जो पी नली है वो टी से टी में बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो पी नली है ये वाली तो टी में बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब कि इधर की ओर खिसक जाएगी। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, बस इतना आपको लिख के आना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिख के आना, क्योंकि यार ज़्यादा कुछ आप लिखोगे तो आपका माइंड भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखना शोभा नहीं देता, छोटी लिखो सब कुछ लिखो, कहते हैं छोटा बोल, मतलब कि छोटी बातों में सब कुछ बोल दो तो वो इंसान क्या कहलाता है, कभी कहलाते हैं, कहते हैं कभी ना छोटे से दोहा का अर्थ निकालोगे ना तो बहुत बड़ा निकलता है, तो इसीलिए छोटा लिख दो, इंसान को समझ में आना चाहिए। अब फालतू में अब रामायण लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैंने जो आपसे बताया आपको वैसे लिख के आना है। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो यार इसका नोट्स आपको चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करने के बाद तुरंत यार चैनल के सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, थैंक यू। तेरे नाल नाल कर देना यार मेरी यारी।